बीजिंग में क्यों एक बख्तरबंद ट्रेन है, क्या यह किम जोंग-उन है? सोमवार दोपहर को एक असामान्य रेलगाड़ी जो कि सख्त सुरक्षा के तहत बीजिंग स्टेशन में घुस गई थी, यात्रियों ने उतरे और लिम्बो चढ़े। चीनी राजधानी को गुप्त रूप से पकड़ लिया जाता है, जिसमें एक बख्तरबंद रेलगाड़ी, शौकिया जासूस और इंटरनेट की खोजों की घबराहट शामिल होती है। तीसरी फैती सोमवार दोपहर को एक असामान्य रेलगाड़ी जो कि सख्त सुरक्षा के तहत बीजिंग स्टेशन में घुस गई थी, यात्रियों ने उतरे और लिम्बो चढ़े। रात के पश्चात के बाद एक मोटरसाइकिल एक राज्य के अतिथि गृह में चले गए, जहां पर विदेशी गणमान्य व्यक्ति अक्सर रहते थे, लेकिन एक वरिष्ठ उत्तर कोरियाई नेता की संभव यात्रा के बारे में 24 घंटे से अधिक की अटकलें के बाद शायद किम जोंग-उन भी, यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि ट्रेन में वास्तव में कौन था या क्यों, क्या यह किम था, उसका बहन, कोई और। व्हाइट हाउस पुष्टि नहीं कर सकता। दक्षिण कोरिया शांत हैं और चीनी विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने मंगलवार को एक दैनिक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि उसे हरे और पीले रंग की गाड़ी या बहुत लंबी मोटरसाइकिल के बारे में कोई जानकारी नहीं है। चीन के नेटिजेंस ने उत्तर की तलाश में एक दीवार को मारा। मंगलवार को शीर्ष 10 में से 3 में वेबो, एक माइक्रोब्लॉगिंग साइट पर अवरुद्ध शब्दों किम जोंग-उन उत्तर कोरिया और फैटी द थर्ड किम के लिए एक लोकप्रिय चीनी उपनाम freewebo.com के अनुसार एक वेबसाइट जो सेंसरशिप को ट्रैक करती है। तथ्य यह है कि कोई भी बात नहीं कर रहा है, विशेष रूप से समय दिया है। मई के अंत में दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति मून साथ किम के शिखर पर चलने वाली ट्रेन मई में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी संभावित बैठक में पहुंची। उत्तर कोरियाई प्रतिनिधिमंडल, चीनी विशेषज्ञों ने इस बात पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया कि कौन शहर में है, लेकिन उन्होंने कहा कि उत्तरी कोरिया के एक वरिष्ठ नेता चंद्रमा और ट्रंप से मिलने से पहले चीन की यात्रा कर रहे थे। उन्होंने अनुमान लगाया था कोरियाई प्रायद्वीप पर एक नाटकीय नाटक की शुरुआत से पहले चीन ने रोशनी को खोद दिया था। बीजिंग के रेनमिन विश्वविद्यालय के उत्तर कोरिया के एक विशेषज्ञ चेंग जियाओ ने कहा, संभवतः ऐतिहासिक क्षण में एक यात्रा बीजिंग की प्रमुख भूमिका को बहाल करेगा। उन्होंने तर्क दिया उत्तर कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच वार्ता पर पूरी तरह से निर्भर होने से उत्तर कोरिया परमाणु मुद्दे हल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि मूलतः परमाणु मुद्दा एक क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दा है, न कि उत्तर कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच संबंधों का मुद्दा। बीजिंग में सेंट्रल पार्टी स्कूल में एक सेवानिवृत्त प्रोफेसर और कोरिया के विद्वान झांग लियांगई ने कहा, बीजिंग विशेषज्ञों ने यह भी कहा कि उत्तर कोरिया आगंतुकों के लिए गोपनीयता मानक था। चीन के लियोनिंग सोसाइटी ऑफ सोशल साइंसेस के एक कोरियाई प्रायद्वीप विशेषज्ञ लू चाओ ने कहा, किम जोंग-उन के पिता किम जोंग-इल ने अतीत में एक समान दृष्टिकोण पर कार्य किया है। यह किम जोंग-इल की 2011 की यात्रा का उदाहरण था, जो कि शुरुआती सुराग प्रदान करता है कि कुछ ऊपर हो सकता है। जासूसी का काम सोमवार को शुरू हुआ, जब ट्रेन पोर्टर और उत्तर कोरिया के जानकारों ने दो संदिग्ध घटनाओं पर गौर किया। चीन उत्तर कोरिया की सीमा पर सख्त सुरक्षा और उत्तर पूर्व में रेलवे की देरी। सोमवार दोपहर को जापानी प्रसारक ने राजधानी के केंद्र में एक स्टेशन में एक सामान्य रेलगाड़ी देखी। यह हरा और पीला था और 2011 में किम जोंग-इल द्वारा इस्तेमाल की गई गाड़ियों की तरह बहुत कुछ देखा। जैसा कि खबर फैलाना शुरू हुई, इसलिए भी चीनी राजधानी के माध्यम से एक मोटर चालित गति के असत्यापित वीडियो किया। जल्द ही चैट समूह के माध्यम से किम देखरेख की पूरी तरह से अपुष्ट रिपोर्टें तेजी से बढ़ रही थी। विवरण के अभाव के बावजूद बाकी क्षेत्र को समान रूप से मोहित कर दिया गया।
राष्ट्रपति ब्लू हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने स्थानीय संवाददाताओं से कहा, हमने कुछ ही दिनों पहले उत्तर में इस आंदोलन का उल्लेख किया और इसके बारे में ध्यान दिया है, लेकिन आगंतुक की पहचान सत्यापित नहीं की गई थी, उन्होंने कहा। यहां तक कि अगर वह जानता था तो, अधिकारी ने कहा, वह प्रेस को नहीं बताएंगे। दक्षिण कोरिया के बाएं पंख हाक्योरे से जापान के दाएं विंग संकी के कागजात स्पष्ट रूप से बताया कि रहस्य वीआईपी किम जोंग अन अगर सच है, यह विदेश में नेता की पहली यात्रा होगी। किम ने कई चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं से मुलाकात की। सांके ने एक अनाम पार्टी अधिकारी का हवाला देते हुए कहा, चीन और उत्तर कोरिया इस वर्ष की शुरुआत के बाद से किम के दौरे के समय पर चर्चा कर रहे थे। साथ ही चीन ने जोर देकर कहा कि उत्तर कोरिया को अपने परमाणु कार्यक्रम को देने की दिशा में काम करने की इच्छा जरूरी है। बीजिंग किम की एक झलक पाने की उम्मीद कर रहा है, क्या नहीं किम निराश हो सकती हैं। मंगलवार की दोपहर तक एक मोटरसाइकिल कथित रूप से बीजिंग स्टेशन पर वापस जाने पर कथित तौर पर था, और जो चर्चा की गई थी उस पर रसदार विवरण के लिए प्रतीक्षा करने वालों को इंतजार करना पड़ सकता है। अतीत में केवल एक बार यात्रा की घोषणा की गई थी, जब सीमा पार से गुजर चुके रहस्य ट्रेन वापस आ गई।